जिस तरीके की तनाव की स्थिति पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर में होनी, आपने विजिट की और क्या देखा और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था को और इम्प्रूव किया गया? इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो हमारे अधिकारीगण BSF से, आर्मी से, एयरफोर्स से निरंतर टच में हैं और क्या स्थिति है उस पर अपडेट लेते रहते हैं। दूसरा, हमने अपने थानों को स्ट्रेंथन किया है, जहाँ पे नफरी की कमी है वहाँ पे नफरी पूरी करी है। बॉर्डर के थानों को हमने एक्स्ट्रा QRT दी है और लोगों से संपर्क में रहने को कहा है। कोई संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध घटना या संदिग्ध लोग हों उनके बारे में हमने उनको कहा है, उनको पता करें, तुरंत कार्रवाई करें। असल आपने गांव के लोगों से भी मुलाकात की, उनको भी आश्वासन दिया कि किसी तरीके के तनाव की स्थिति नहीं है, ये महज? हाँ, गांव के लोग से भी मिले हैं, वो अवेयर हैं कि क्योंकि ये बॉर्डर के गांव हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता है सिचुएशन, तो वो अवेयर हैं कि क्या स्थिति है और उनको कब क्या करना है। असल हमने इनके मैनेजमेंट्स को सेंसिटाइज किया है और इनको कहा है कि आप विशेष चौकसी रखें। हमने इनके चारों तरफ अपनी पेट्रोलिंग भी बढ़ाई है। थार एक्सप्रेस को लेकर भी कुछ रिव्यू? एक्सप्रेस तो ऑलरेडी काफ़ी उसमें सिक्योरिटी चेक्स होते हैं उसमें, और उसमें जो भी अगर कुछ इंक्रीज करनी पड़े तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। सर, क्या इन दिनों सीमा के उस पार किसी तरह, सीमा के पार जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में आप BSF से वो लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आर्मी BSF वो ऑलरेडी बहुत बढ़िया काम कर रही है और उनको जो एक्शन जब लेना होगा वो लेंगे। तो लोगों को एक्शन सजेस्ट नहीं करने चाहिए कि वो क्या करें क्या नहीं करें, वो प्रोफेशनल्स हैं, अपने आप जो उनको ठीक लगेगा वो एक्शन लेंगे। थैंक यू। एक बार बता रहे हैं तो जा रहे सर सर हेलो जिला बजट का क्या कहते हैं रेट स्पीड्स का इनकी फीस जो देंगे WIG वगैरह की जो आप कह रहे थे उसकी टोटल कितनी डिमांड है उसकी एडवांस बजट मिल जाएगा तो मंडे को आप कैलकुलेट करके बनाना याद से हम